Hello friends, today's topic of discussion is a special entity where we are able to see both covalent and coordinate bond along with a plus charge. So let's get started. Alrighty, तो बात कर रहे हैं हाइड्रोनियम आयन को लेकर. तो we have the structure of hydronium ion. So अगर हम लोग यहाँ देखेंगे कि H plus ion coming from an acid, it reacts with water to give H3O plus. And this is hydronium ion का formula. अब structure wise अगर हम लोग थोड़ा closer look ले तो it comes as this. जो water का formula है H2O वो इतना सा portion ही है H2O. And if we look closer तो यहाँ पर oxygen atom के साथ ये first and second दोनों hydrogen का जो relation है that is by means of single covalent bond. और oxygen के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है. अब होता है ये कि जैसे ही ये एच प्लस आयन फ्रॉम द एसिड कम्स इनटू एक्शन, ये एच प्लस का जो प्लस वाला पोर्शन है ये पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर चला जाता है एंड ऑक्सीजन का जो एक और सेट ऑफ लोन पेयर था वो इस हाइड्रोजन के पास आ जाता है. सो देयरफॉर ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ, दिस बॉन्ड इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एंड क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर एक प्लस चार्ज प्रेजेंट है एंड हम लोग जानते हैं कि प्लस चार्ज तभी आता है जब कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है एक सिस्टम से. सो एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होके रखा है ऑल टुगेदर. सो दिस इज वन ऑफ द यूनिक स्ट्रक्चर्स जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों के दोनों प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द प्लस चार्ज जो इसको एक आयन बना रहा है. तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा. ये पर्टिकुलर वीडियो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर भी है. इस तरीके का क्वेश्चन आजकल काफी पूछा जा रहा है. सो प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी इंपॉर्टेंट है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.